शहर के इंदिरा नगर के वार्ड नंबर 26 की सभासद पूनम तिवारी ने वैश्विक महामारी कोरोना की जंग में लगे योद्धाओं को सम्मानित किया है। सभासद ने नगर पालिका के सफाई कर्मी, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी व पत्रकारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुष्प वर्षा व शंखनाद के बीच अभिनंदन किया। सभी कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। सभासद ने कहा कि बड़े सौभाग्य से ही जनसेवा करने का सौभाग्य मिलता है। आज मुझे यह अवसर मिला है जो मेरे लिए गौरव की बात है। जहां पूरा देश ही नहीं विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस जंग में हमारे कर्मवीरों व योद्धाओं ने जिस तरह से योगदान किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में कोरोना योद्धाओं के उत्साह वर्धन के लिए उन्हें सम्मानित कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सभासद ने पहले नगरपालिका के सफाई कर्मियों का स्वागत कर सम्मानित किया, उसके बाद कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया, साथ ही पत्रकारों व पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा कर अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस आयोजन में सभासद पूनम तिवारी के पति अशोक तिवारी ने शंखनाद कर सभी वीरों का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, वार्ड वासियों सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। आयोजन किया है, ये किस लिए किया था? ये हमारे कोरोना योद्धा जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये हमारे चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मी हमारे हो नगर पालिका के, ये सब लोग दिन रात मेहनत करके एक से एक कवरेज करके, एक सफाई करके, हर तरह से योद्धा हमारे लगे हुए हैं। मेरे दिल में बहुत दिनों से था कि मैं सबका सम्मान करूँ, आज उसी क्रम में मैंने सबका सम्मान किया है। Complete.